चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का सीवी 6, दैट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन्स। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सो एसिड्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है और इन दोनों के अलावा कोई ना कोई नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड जरूर होता है ताकि वहां से हाइड्रोजन निकल सके और एसिडिक नेचर शो हो सके। तो चलिए देखते हैं कि हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से होते हैं। अगर हम हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स की बात करें तो बेसिकली यहां पर चार प्रकार के ऑक्सो एसिड्स होते हैं। ये एसिड्स हैं हेलिक 1 एसिड, जिसको हाइपोहेलस एसिड भी कहते हैं। सेकेंड इज हेलिक 3 एसिड, जिसको हेलस एसिड भी कहते हैं। दी थर्ड वन इज हेलिक 5 एसिड, जिसको हेलिक एसिड भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज हेलिक 7 एसिड, जिसको पर हेलिक एसिड भी कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स की। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो होता है HOF, जिसको हम हाइपोफ्लोरस एसिड कहते हैं। अगर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन चारों प्रकार के ऑक्सो एसिड्स बनाता है। द फर्स्ट इज SOCl, जिसको हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। सेकेंड इज HOClO, जिसको क्लोरस एसिड कहते हैं। थर्ड इज HOClO2, जिसको क्लोरिक एसिड कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज HOClO3, जिसको परक्लोरिक एसिड कहते हैं। अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन का फर्स्ट ऑक्सो एसिड है HOBr, जिसको हाइपोब्रोमस एसिड कहते हैं। ब्रोमीन हेलिक 3 एसिड नहीं बनाता है। ब्रोमीन का अगला ऑक्सो एसिड है HOBrO2, जिसको ब्रोमिक एसिड कहते हैं। ब्रोमीन का नेक्स्ट एसिड है HOBrO3, जिसको परब्रोमिक एसिड कहते हैं। अगर आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी ब्रोमीन की तरह ही हेलिक 3 एसिड नहीं बनाता है। आयोडीन का पहला एसिड है HOI, जिसको हाइपोआयोडस एसिड कहते हैं। द नेक्स्ट ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन इज HOIO2, जिसको आयोडिक एसिड कहते हैं। और जो लास्ट एसिड है आयोडीन का, दैट इज HOIO3, जिसको पर आयोडिक एसिड कहते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हैलोजन्स के ऑक्सो एसिड्स का नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है। इसके लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स का। तो हम जानते हैं कि क्लोरीन चारों ऑक्सो एसिड्स फॉर्म करता है। नॉमनक्लेचर के लिए शुरुआत होती है हमेशा मिडिल वाले ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड्स की। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं HOClO और HOClO2 से। HOClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि HOClO2 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के नाम के आगे अस लगाया जाता है, जबकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड के नाम के आगे इक लगाया जाता है। तो इसीलिए HOClO का नाम होगा क्लोरस एसिड, जबकि HOClO2 का नाम होगा क्लोरिक एसिड। अब अगर क्लोरीन कोई ऐसा एसिड भी फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड से भी कम हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्लोरीन HOCl फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, जो कि +3 से कम है, तो इस एसिड के नाम से पहले हाइपो लगेगा और नाम के बाद अस लगेगा, तो इसीलिए इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। ऑन दी अदर हैंड, अगर क्लोरीन कोई ऐसा एसिड भी फॉर्म करता है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड से भी ज्यादा हो, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, क्लोरीन HOClO3 भी फॉर्म करता है जहां पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, जो +5 से ज्यादा है, तो ऐसे एसिड के नाम में नाम से पहले पर लगता है और नाम के बाद एक लगता है, तो इसीलिए HOClO3 का जो नाम होगा वो होगा परक्लोरिक एसिड। चलिए अब क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है।
ये क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। ये क्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। और ये है परक्लोरिक एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है।